नेक्स्ट देखते हैं प्रिंट कल्चर एंड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो जो भी हमने इससे पहले आज जहां से हमने स्टार्ट किया रीडिंग मेनिया, तो उसमें हमने पहले तो बात की तीन टाइप की बुक्स की। ओके, तो वो मैंने जैसे बताया कि हिस्ट्री देखे, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखे हम, तो उसमें से एक एक मार्क के आने के चांसेस ज्यादा है। भले ही हमने पांच पॉइंट देखे, तो पांच मार्क में पूछे तो पांच पॉइंट, तीन मार्क में पूछे तो तीन, लेकिन एक एक मार्क में आने के चांसेस ज्यादा है। इसके पहले वाली जो थियरी हमने पढ़ी कि कैसे जनरल पब्लिक के लिए साइंटिफिक फिलोसोफर के जो वर्क है वो एक्सेसिबल हुए, वो सब हमने देखा कि आइडियाज ऑफ साइंटिस्ट एंड फिलोसोफर के वर्क थे वो जनरल पब्लिक के लिए एक्सेसिबल हुए। एंड अभी क्या कि प्रिंट कल्चर ने बहुत ही एक बेस बना दिया, एक नींव रख दी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के लिए। जैसे अभी हमने पढ़ा 17-18 सेंचुरी में जो लिटरेसी रेट था वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया था, और हमने देखा है कि कब हुआ था फ्रेंच रिवॉल्यूशन, बोलो तो दिशा। याद है ना तुम लोगों को? अच्छा, वो कौन था, नेपोलियन कब आया था, याद है पृथ्वी? या नेपोलियन कोड कब आया था वो बताओ। 1804। वेरी गुड। ओके, तो वो सब याद रखना। तो वैसे ही अभी हमने बोला 17-18 सेंचुरी में क्या हुआ, लिटरेसी रेट बहुत हाई गया था। अब 1789 मतलब 18 सेंचुरी फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो रहा है, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में ये प्रिंट कल्चर ने कैसे अपना योगदान दिया, कैसे अपना इनपुट दिया, वो हम देख रहे हैं। तो आज जितने भी हमने पहले दो टॉपिक पढ़े, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल ये है जो अभी हम देखने वाले हैं। अगर एग्जाम में कभी भी प्रिंट कल्चर और फ्रेंच रिवॉल्यूशन सिर्फ ये दो वर्ड भी दिखाई दे, तो ये पांच पॉइंट छाप देना। ओके, क्योंकि बहुत ही अलग 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 तोड़ मरोड़ कर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सर ने तो ये पढ़ाया ही नहीं, ऐसा मत करना। ओके, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन समझो। ओके, इसीलिए तो शॉर्ट में बता दिया कि प्रिंट कल्चर और फ्रेंच रिवॉल्यूशन सिर्फ वर्ड भी दिखाई दे, यही पांच पॉइंट लिखने हैं। ओके, क्योंकि बहुत तरीके से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, बहुत तरीके से। ओके, जैसे मैंने एक बताया कि कैसे प्रिंट कल्चर ने बेस रख दिया फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, एक्सप्लेन। ओके, फिर प्रिंट कल्चर एंड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन आर इंटरकनेक्टेड, एक्सप्लेन। कुछ भी बना सकते हैं। ओके, यही लिखना है। चलो तो देखते हैं कैसे बेस रखा फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, मतलब कैसे हेल्प हुई प्रिंट कल्चर की वजह से। पहला पॉइंट, द प्रिंट पॉपुलराइज्ड द आइडियाज ऑफ द एनलाइटेंड थिंकर who attacked the authority of the church and despotic power of the state, Voltaire and Rousseau. तो ये दोनों अभी हमने नाम पढ़े ना, Voltaire and Rousseau. तो Voltaire and Rousseau philosopher थे, okay? उनके ideas print होने की वजह से वो जो Catholic practice, Catholic church practices हो रही थी, उनको oppose किया और उनके ideas लोगों तक पहुंचे। ओके, वही वापस वही पॉइंट है। और उसकी वजह से हुआ क्या कि डर लगने लगा किस चीज का, कि डेस्पोटिक पावर एंड हो जाए। ओके, डेस्पोटिक पावर मतलब कि कोई एक ही बंदा अगर वो जो बोले, जस्ट लाइक हम बोलते हैं ना डिक्टेटरशिप, ओके, उसी को बोलते हैं डेस्पोटिक पावर। मतलब जैसे कि एक ही बंदा राज कर रहा है, ओके, राजतंत्र, ऐसे एक ही बंदा राजा है और वही पूरा रूल्स रेगुलेशन देख रहा है, तो उसे बोलते हैं डेस्पोटिक पावर। अगेन, इससे भी क्वेश्चंस बन सकता है कि प्रिंट कल्चर लीड टू द एंड ऑफ डेस्पोटिक पावर, एक्सप्लेन। प्रिंट कल्चर लीड्स टू द एंड ऑफ डेस्पोटिक पावर्स, ओके, एक्सप्लेन। तो उसमें भी क्या है, प्रिंट कल्चर आया, डेस्पोटिक पावर यहां पे ही था, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ मतलब डेस्पोटिक पावर्स थे तभी तो रिवॉल्यूशन आया। अगर सब कुछ सही सही चल रहा होता तो रिवॉल्यूशन क्यों होता? ओके, तो दैट मींस वही है ही पांच पॉइंट लिखने। ये किस किस टाइप से बन सकते हैं वो मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ। ओके, देखो मैंने जो अभी जो क्वेश्चन बोला उसमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन वर्ड नहीं आया था, लेकिन प्रिंट कल्चर आया था, लेकिन डेस्पोटिज्म, ये जो हमने बोला ना डेस्पोटिक पावर, ओके, वो कैसे एंड हो जाएगा, एक्सप्लेन।
तो वो एंड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लोगों की आइडियोलॉजी, फिलोसोफर की आइडियोलॉजी लोगों तक पहुंचने लगी, और लोगों तक आइडियोलॉजी पहुंचने लगी तो वो अपोज करने लगे। वो है पहला पॉइंट। दूसरा, द प्रिंट क्रिएटेड अ न्यू कल्चर ऑफ डायलॉग्स एंड डिबेट्स। ये तो हमने कल भी देखा था, डिबेट्स एंड डायलॉग शुरू हो गए थे। द पब्लिक बिकम अवेयर ऑफ द रीजनिंग, लॉजिकल थिंकिंग करने लगे। रीजनिंग मतलब के किस रीजन की वजह से ये सब हो रहा है, वो सब पता चल गया। दे रिकॉग्नाइज द नीड टू क्वेश्चन द एग्जिस्टिंग आइडियाज एंड बिलीफ। मतलब अब लोगों का दिमाग खुल गया। ओके, कि पढ़ने से ऐसा नहीं है, जब मैं पढ़ा ओके तो मेरे पास जितना भी इंफॉर्मेशन है, कैसे मैं ऐसे तुम्हें बताता ही रहता हूँ हाँ ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। तो लोगों के पास इंफॉर्मेशन आएगी ओके तो, बट ऐसा नहीं है, तुम लोगों को ही बताता हूँ, बाहर तो मैं तुम लोग पूछ सकते हो, ऐसे चुप ही रहता हूँ। फैमिली में अगर तुम जाओ ना, फैमिली गैदरिंग्स और ऐसा हो ना, मैम को पूछना कभी कुछ बातें, ये वो आंसर जितना पूछा जाए ये वो तब। क्यों? क्योंकि तुम लोगों को बताऊंगा, इट इज यूजफुल। ओके, सिर्फ जो ऐसे बोलते हैं ना, वाणी विलास बोलते हैं इसे संस्कृत में, वाणी विलास। वाणी विलास मतलब जिसके पास नॉलेज है और बस वो बोलता ही जा रहा है, बोलता ही जा रहा है, इसको ऐसे करना चाहिए था, इसको ऐसे करना चाहिए था। तो वैसे अगर बोलेंगे, जैसे कि मैं पॉलिटिशियंस के ऊपर बोलता रहा हूँ, क्रिकेटर्स के ऊपर बोलता रहा हूँ, फिल्म स्टार के ऊपर, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो अगर सब लोग इकट्ठा कोई पॉलिटिक्स का बोल रहा है, कोई सेलिब्रिटीज की बात कर रहा है और मैं बीच में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू डाल रहा हूँ, उनके सामने बात करने का कोई मीनिंग नहीं है। क्यों? वो टाइम पास करने के लिए डिस्कशन कर रहे हैं। ओके, तो टाइम पास करने के लिए नॉलेज शेयर करना, और सही में नॉलेज बढ़े, ग्रोथ हो सोसाइटी का, इसलिए नॉलेज शेयर करना, दोनों अलग अलग बातें। ओके, चलो। सो क्या हुआ कि लोगों ने बहुत पढ़ाई की, बहुत पढ़ाई की, मतलब प्रिंट कल्चर की वजह से बहुत ज्यादा एक्सेसिबल हो गया लिटरेचर एंड सारे फिलोसोफर की आइडियोलॉजी, साइंटिफिक कम्युनिटी के इन्वेंशन, सब कुछ एक्सेसिबल हो गया। उसकी वजह से लोगों के दिमाग खुल गए, वो लोग अपोज करने लगे, जो रॉन्ग बिलीफ सिस्टम थी उसको भी अपोज करने लगे, रीजनिंग करने लगे कि भाई ये सब तो गलत है, आवाज उठाने लगे। ओके, सो दैट वाज द सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, द लिटरेचर ऑफ 1780s मॉक्ड द रॉयल्टी। ओके, मतलब उसके सामने रॉयल्टी, जो राज दरबार है उनका, जो है उनके सामने आवाज उठाई, एंड क्रिटिसाइज्ड देयर मोरालिटी, उनकी जो मोरालिटी है उसको भी क्रिटिसाइज किया कि भाई तुम तो लगते ही हो करप्ट करप्ट ऐसे, लाइक दैट। एंड द एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर, जो सोशल ऑर्डर है उसकी भी सामने आवाज उठाई। दिस लिटरेचर लेड टू द ग्रोथ ऑफ हॉस्टाइल सेंटिमेंट्स अगेंस्ट द मोनार्की। तो 1780s की बात है ना, ये 80s मतलब वही 1789, मतलब 81 से 90 तक का टाइम 80s बोला जाता है। हॉस्टाइल मतलब बंधक। ओके, हॉस्टेजेस नहीं बोलते, हॉस्टेजेस। ओके, तो हॉस्टाइल मतलब क्या, कि वैसी आइडियोलॉजी, जैसे कि मेरे पास ऐसे 2-3 विचार है अंदर, और मैं, मुझे ऐसा डर है कि मैं वो आइडियोलॉजी शेयर करूंगा तो ये लोग को बुला रख जाएगा, या पर्टिकुलर मेरे पे भी वो लोग क्रिटिसिज्म करने लगेंगे, इसीलिए मैंने अपना मुंह बंद रखा हुआ है। दैट मीन्स मेरे जो थॉट्स है वो क्या है, हॉस्टाइल है, बंधक है। किसने बांध के रखा है? डर ने बांध के रखा है, मेरे ही डर ने, कि मैंने अगर बोला तो ये लोग सब लोग मेरे ऑपोज में हो जाएंगे। तो मतलब किसी को, जैसे मैंने तुम्हें पकड़ के बाथरूम में बंद कर दिया, दैट मीन्स कि मैंने तुम्हें हॉस्टाइल कर दिया, बंद कर दिया, अब तुम कहीं जा सकते नहीं हो, तुम खुद को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, लाइक दैट, उसको हॉस्टाइल बोलते हैं। ओके, सो क्या हुआ कि ये जो लिटरेचर है, ये लिटरेचर बहुत आगे बढ़े, उन्होंने उनकी जो मोनार्की है उनकी मोरालिटी पे भी क्वेश्चंस किए, उनके जो सोशल ऑर्डर्स है उन पे भी क्वेश्चंस किए, उनकी रॉयल्टी पे भी क्वेश्चंस किए, सब जगह पे क्रिटिसाइज किया, क्वेश्चनिंग की। ओके, और उसकी वजह से जो हॉस्टाइल सेंटिमेंट्स थे, मतलब बहुत टाइम से इनएक्सप्रेसिबल सेंटिमेंट्स थे, इनएक्सप्रेसिबल मतलब वो कहना तो चाहते थे लेकिन कह नहीं पाते थे, अब वो खुल के कहने लगे, क्योंकि प्रिंट कल्चर आ गया ना, मैंने मेरी आइडियोलॉजी लिखी और ऐसे करके, जैसे कि भाई ऐसा हुआ था। ओके, वहां भी ऐसा हुआ था, जैसे कि मार्टिन लूथर की आइडियोलॉजी थी, तो पर्टिकुलरली जो कैथोलिक चर्च है वहां पर मार्टिन लूथर की आइडियोलॉजी वाला लिटरेचर कोई बंदा आया और चर्च पे ऐसे लटका के चला गया,
फिर चर्च वालों को पता चला अच्छा ऐसा सब भी हो रहा है हमारे अगेंस्ट में, लाइक दैट, समझ में आया? तो ऐसा होता है ओके, कि भाई बहुत टाइम से बंधी हुई फीलिंग्स है और अब बाहर निकल रही है, क्यों? क्योंकि फेवरेबल एनवायरनमेंट आ गया है, इसलिए जैसे हमने वो बायोलॉजी में देखा था ना कि बहुत सारे वो कौन सा रिप्रोडक्शन था वो, करेक्ट, स्पायरोगायरा वाला रिप्रोडक्शन, नहीं स्पायरोगायरा वाला नहीं, लास्ट वाला, उसी में लास्ट वाला, नहीं स्पोर फॉर्मेशन, ओके, तो जो स्पोर फॉर्मेशन वाला प्रोपेगेशन रिप्रोडक्शन था, हाँ, सो जो स्पोर फॉर्मेशन के मतलब स्पोर तो बनते ही जाते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर एनवायरमेंट मिले तब जाके वो ब्लास्ट फट जाता है और बाहर जहां गिरता है वहां पर रिप्रोडक्शन हो जाता है, वैसे ही जो हमारे, वैसे एक्चुअली सब कुछ वैसे होता है। अब ये नॉलेज के लिए है, एकेडमिक्स नॉलेज के लिए नहीं, सब कुछ वैसे ही होता है। मतलब क्या कि तुम बहुत कुछ कहना चाहते हो, बहुत कुछ तुम्हें करना है, सपोज गाना गाना है लेकिन नहीं गा रहे हो, क्यों? अरे यार नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, कैसे लगेगा इसको, कैसे लगेगा, मैं तो खराब गा रहा हूँ, गा रही हूँ, ऐसा होगा वैसा होगा, मतलब ये सब क्या है, तुम्हारी हॉस्टाइल सेंटिमेंट्स है ओके, बंधे हुए है तुम, और वो खुद हमने ही बांधे हुए है, क्यों? क्योंकि सम पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड ऑल एनवायरमेंटल सर्कमस्टेंसेस, लेकिन कभी ना कभी तो वो बाहर निकलेंगे, कब निकलेंगे? जब फेवरेबल एनवायरमेंट मिलेगा तब। फेवरेबल एनवायरमेंट कब आएगा वो हमें नहीं पता वो हमें नहीं पता, लेकिन बाहर निकलेंगे, मतलब यू कैन से जो भी, जैसे कि अभी बहुत, जैसे कि आज से 5 साल पहले तुम कैसे थे, जस्ट विजुअलाइज, तो मोस्ट प्रोबेबली अगर तुम अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हो तो तुम बहुत ज्यादा चेंज हो गए हो 5 साल पहले से अब, बहुत ज्यादा चेंज हो गए हो। अब ये चेंज क्यों आया? बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट, फ्रेंड, स्कूल, ट्यूशन, वो सबकी वजह से चेंज आते हैं ओके। एक इसी में एक मीम टाइप है कि इफ यू आर द टॉपर, ये नहीं दूसरा है, इफ यू आर द टॉपर अमोंग योर फ्रेंड्स यू नीड न्यू फ्रेंड्स, अगर तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में टॉपर हो तो तुम्हें नए फ्रेंड्स चाहिए, क्यों? क्योंकि वो लोग तुम्हारे आईक्यू को डाउन करेंगे मतलब उनका तो अच्छा है, भला हो रहा है, लेकिन तुम्हें कुछ नया नहीं मिलेगा ओके, लाइक दैट, तुम उनके लेवल पे आ गए, समझ रहे हो? जरूरी नहीं है उनके लेवल पे ही आ जाओ, बट उसके लिए कॉन्शियस रहना पड़ता है, हाँ वो उनका है मेरा अलग है, वैसे हमेशा कॉन्शियस रहना पड़ता है, नहीं तो हम अपनी कंपैरिजन उनके साथ करने लगते हैं, जैसे वो तुम्हारे साथ कंपेयर करेंगे और वो आगे बढ़ेंगे, देखो ये कितना क्या कर रहा है, ये कर रहा है, ये वो आगे बढ़ेंगे, और तुम किसके साथ कंपेयर करोगे, क्योंकि तुम तो टॉपर हो अपने ग्रुप में ओके, तो इट्स नॉट ओनली जोक, रियलिटी भी है ओके, बट कहते हैं ना कि यू विल बी एवरेज ऑफ द पर्सन, मतलब तुम पूरे 24 घंटे में से सपोज मान लो 10 घंटे घर के बाहर रह रहे हो ओके, 8 घंटे मतलब 24 घंटे में से 8 घंटे सो रहे हो और अकेले बिता रहे हो अकेले ओके, मतलब बाथरूम में अकेले सो रहे हो अकेले, लाइक दैट, तो बाकी के जो 16 आवर्स है वो जैसे लोगों के साथ तुम स्पेंड करोगे उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स तुम में आने लगेगी ओके। बहुत ज्यादा टाइम हम पेरेंट्स के साथ स्पेंड करते हैं, पेरेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स आती है ना, आती है, पूछना ओके, तुम अपने सिबलिंग्स को पूछना वो बताएंगे, या कोई भी जो तुम्हें ऑब्जर्व कर रहे होंगे, मम्मी को पूछना तो मम्मी बताएगी कि पापा की ये कैरेक्टरिस्टिक्स तुम में है ओके, पापा को पूछना तो वो बताएंगे मम्मी की ये कैरेक्टरिस्टिक्स तुम में है, क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे साथ रह रहे हैं, तुम्हें ऑब्जर्व कर रहे हैं। वैसे ही स्कूल में ज्यादातर तुम जिसके साथ रहते हो, जैसे टीचर्स तुम्हें पढ़ाते हैं, जैसा तुम्हारा फ्रेंड सर्कल है, जैसा तुम्हारा क्लास है, वो सबकी इफेक्ट होती है ओके, ट्यूशन क्लास में, मतलब जिन जिन के साथ तुम रहते हो, जिनको सुनते हो, जिनको देखते हो, वो सबकी इफेक्ट होगी। तुम ऐसा नहीं बोल सकते नहीं हम तो सिर्फ मजे के लिए इसके साथ है या टाइम पास करने के लिए हमारा ग्रुप है, होगा ओके। जैसे कि तुम बहुत ज्यादा विराट कोहली को फॉलो कर रहे हो, वो तो उसका क्रिकेट अच्छा लगता है इसीलिए उसको फॉलो कर रहे हो, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है, बट बार बार अगर तुम वही करते रहे, उसको ब्लाइंडली फॉलो करते ही रहे, फिर अभी तुम जाओगे अरे ये जूते तो विराट ने पहने थे, मजा है, अच्छा है, चलो लेंगे कभी, ये थॉट क्यों आई? क्योंकि तुम उसको फॉलो कर रहे हो, इसलिए
तुमने देखे है कि उसने वो जूते पहने हैं, एक्वायर्ड ट्रेट्स, ओके, तुमने देखा है कि उसने वो जूते पहने हैं, और तुमने क्यों देखा कि कौन, भाई करोड़ों लोग हैं, तुम क्यों एक बंदे के जूते देखने गए, क्योंकि तुम उसको फॉलो कर रहे हो, ओके, तो वो होगा होगा और होगा ही, पॉपकॉर्न वाला है, अच्छा चलो, सो सबको क्रिटिसाइज, ये लिटरेचर्स ने क्रिटिसाइज किया, लॉयल्टी पे क्वेश्चनिंग किए, मॉरालिटी पे क्वेश्चनिंग किए, तो अब बहुत ज्यादा उनका जो सेंटिमेंट्स थे, हॉस्टाइल सेंटिमेंट्स, वो क्या आने लगे, एक्सप्रेस होने लगे। फोर्थ पॉइंट, प्रिंट डिड नॉट डायरेक्टली शेप द माइंड्स ऑफ द पीपल, के भाई प्रिंट ऐसा नहीं है कि प्रिंट कल्चर आया और लोग बस ओहो चमत्कार हो गए, इट्स नॉट लाइक दैट, बट हाँ ग्रेजुअल चेंज तो आया ही, बट इट डिड ओपन द पॉसिबिलिटीज ऑफ द थिंकिंग डिफरेंटली, लेकिन प्रिंट की वजह से लोग अलग तरीके से सोचने लगे, लोग भले ही तुम मार्टिन लूथर की बात मानो या ना मानो, तुम ऑर्थोडॉक्स कैथोलिक चर्च को, मतलब तुम कैथोलिक ग्रुप को बिलोंग कर रहे हो, प्रोटेस्टेंट को नहीं कर रहे हो, फिर भी अगर तुमने एक बार पढ़ लिया मार्टिन लूथर की आइडियोलॉजी, अरे यार हम तो ये ग्रुप में है, बात तो सही है लेकिन बंदे की, भले ही हम उसको फॉलो ना करें, लेकिन हमें लगता है कि हाँ बात तो सही है, जैसे कि भाई मोदी जी की बात सबको सही ना भी लगे, सब वोट ना भी दे, लेकिन जो वोट नहीं देते उनको भी अंदर से नहीं, बात तो बंदे में दम तो है, लाइक दैट, सपोज हम कांग्रेस को वोट ना दे और से आपको वोट ना दे, लेकिन हम बोले अरविंद केजरीवाल पढ़ा लिखा है और उसने दिल्ली में कई जगह अच्छा काम किया है, तो मतलब हमने ऑब्जर्व तो किया है, भले ही हम उसको वोट नहीं दे रहे, ओके, वो यहां भी वोट मांगने आएंगे, हमने वोट नहीं दिए, लेकिन क्योंकि कैसे पता चला, उसने कुछ किया होगा, न्यूज में आया होगा, हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, कुछ ना कुछ तो है, अरे वो पास आउट हुआ था, वो इनकम टैक्स ऑफिसर था, अरे वो आईआईटी खड़गपुर से पास हुआ है, ये रियलिटी है, अरविंद केजरीवाल आईआईटी खड़गपुर से पास है, वो इनकम टैक्स ऑफिसर था, उसने गवर्नमेंट जॉब छोड़ के पॉलिटिक्स चूज की है, मैं भी पहले स्टार्टिंग में फॉलो करता था, ऐसा नहीं अब नहीं कर रहा हूं, फॉलो करता था, दैट डज नॉट मीन कि वोट देता था, ओके, बट क्यों फॉलो करता था पता है, यहां पर भी एक बिलीफ सिस्टम की वजह से, आईआईटी खड़गपुर बंदा अच्छा ही होगा ऐसे, क्यों, क्योंकि हम वहां उस रास्ते से गए हुए हैं ना, इसलिए हमें पसंद आ जाएगा कि हाँ आईआईटी मतलब अच्छा ही होगा, दैट इज अगेन ब्लाइंड बिलीफ, वैसा नहीं होना चाहिए, वो मैच्योरिटी के साथ साथ आ जाएगा, वो हम जो बिलीव कर रहे थे वो सब बकवास सारे कुछ नहीं, लाइक दैट, हाँ अच्छी बातें हैं तो उसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए, डज नॉट मीन कि हमें किसी और की बातें करनी चाहिए, ओके, ऑब्जर्व खुद को करना है ना कि वर्ल्ड को, नहीं तो लाइफ खत्म हो जाएगी और वर्ल्ड का ऑब्जर्वेशन खत्म भी नहीं होगा, ऑब्जर्व खुद को करना है, नेगेटिविटी खुद में से निकालनी है और आगे बढ़ना है, ओके, तो भाई डायरेक्टली कोई चमत्कार नहीं हो जाएंगे, लेकिन बहुत ज्यादा थिंकिंग लोगों की क्या हो गई, चेंज हो गई, किसकी वजह से, प्रिंट कल्चर की वजह से। एंड फिफ्थ पॉइंट, द मींस ऑफ मास कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन बहुत लोगों को पता चल जाए, वो मींस क्या, न्यूज़पेपर, जर्नल्स, चैप बुक्स कैरीड इंफॉर्मेशन अबाउट द वॉर्स, ट्रेड्स, पॉलिटिक्स एज वेल एज न्यूज ऑफ द डेवलपमेंट इन अदर प्लेसेस, क्या बात कर रहे हो भाई, यूरोप में रिवॉल्यूशन हो गया, हमें भी कुछ करना पड़ेगा, लाइक दैट, ओके, All this had an impact on the minds of the people. अब लोग पढ़ने लगे, तो जैसे फ्रेंच रिवोल्यूशन, फ्रांस रिवोल्यूशन हुआ, उसके बाद ही तो हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी यूरोप वाला, ओके, तो फ्रांस में हुआ, उसके बाद ही भाई जर्मनी, इटली सब लोग उठे, याद है ना, ओके, क्यों, क्योंकि पता कैसे चलेगा भाई, फ्रांस को मिल गया भाई अच्छे से, पहले तो अच्छे से काम कर रहा था, वो मोनार्की था, वन टाइप ऑफ, कौन अपना, नेपोलियन, ओके, बट काम अच्छे से कर रहा था, लोगों ने सपोर्ट किया, इसीलिए तो हमने देखा था कि फ्रेंच आर्मी जहां जाती थी पहले वेलकम किया जाता था, फिर बोला कि भाई बस अब तो तुम सही नहीं कर रहे, ओके, फिर वापस वो वॉर हुई और वो हार गया, कौन सी वॉर हुई थी और कहां हुई थी, बैटल ऑफ वाटरलू, ओके, और उसके बाद ट्रीटी कौन सी हुई थी, समझ में आया, तो वो सब रीड करते रहो, और ये पांच पॉइंट समझ में आ गए कि मास कम्युनिकेशन के जो जो मींस है, मींस मतलब रास्ते, वेज, जैसे कि न्यूज़पेपर, मैगजीन्स,
पैम्पलेट्स, जर्नल्स, ओके, तो वो सब क्या उसकी वजह से ही सारा चेंज आया हुआ है, क्योंकि उसमें ही सारे इंफॉर्मेशन थी ट्रेड के बारे में, वॉर के बारे में, दूसरी जगह पे क्या डेवलपमेंट हो रहा है, कौन फ्रीडम, किसको फ्रीडम मिल गई, पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है, हम इंग्लैंड में बैठे हुए हैं, फ्रांस में क्या हो रहा है, सब कुछ पता चल रहा है। क्यों? ये जो मास कम्युनिकेशन मीन्स है, अभी भी टीवी नहीं आया है टीवी नहीं आया है, ये सब चल रहा है, सैटेलाइट रेडियो भी नहीं आया है, ये सब पेपर पे ही चल रहा है। समझ में आया? ओके, तो 5 पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, फिर से देखते हैं। पहला कि भाई जो एनलाइटेंड थिंकर्स थे, मतलब फिलोसोफर्स थे, नाम याद रख लेना, वॉल्टेन एंड रोजू, उनकी वजह से लगा कि इट विल बी द एंड ऑफ द डेपोटिक और से डेस्पोटिक पावर का एंड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन लोग ने स्टार्ट कर दिया था स्प्रेड करनी अपनी आइडियोलॉजी। पहला पॉइंट। दूसरा कि भाई डायलॉग और डिबेट शुरू हो गए और अब लोग क्वेश्चनिंग करने लगे। तीसरा, 1780s में ये जो सब लिटरेचर्स आए उसकी वजह से लोगों ने जो मोनार्क है उसकी मोरालिटी पर, उसकी लॉयल्टी पर, उसकी रॉयल्टी पर, ओके, लॉयल्टी, रॉयल्टी और उसकी मोनोपोली, सबको क्वेश्चनिंग करना शुरू कर दिया था। ओके, थर्ड पॉइंट था वो। एंड फोर्थ पॉइंट, डायरेक्टली प्रिंट कल्चर से, जैसे कोई जादू की छड़ी नहीं है कि घुमाया और हो गया काम, लेकिन लोगों की थिंकिंग पे असर होने लगा था। ओके, भले ही थोड़ा स्लो हो जाए बट असर तो हो रहा है। एंड फाइनली कि भाई जो मास कम्युनिकेशन हुआ उससे भी बहुत ज्यादा फायदा हुआ, क्योंकि उसमें सब इंफॉर्मेशन थी ट्रेड्स के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, आइडियोलॉजी के बारे में, कहां कोई चेंज हो रहा है उसके बारे में। अंडरस्टूड? समझ में आ गए 5 पॉइंट? पक्का? कोई डाउट हो तो बोलो। आज बहुत, मतलब बहुत तो नहीं बट नींद आ रही है ऐसा लग रहा है। नींद आ रही है क्या? ठीक है, तो मतलब जब भी ऐसे आफ्टरनून में क्लास हो तो एटलीस्ट खाना कम खाया करो और यू कैन से थोड़ा पानी ज्यादा पियो, लाइक दैट। ओके, हाँ आओ बैठो। 5 पॉइंट समझ में आ गए? ओके, तो ये हमने 3 पॉइंट देख लिए। कौन कौन से? पहला पॉइंट देखा कि कॉमन पीपल ने बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया, जिसमें हमने पर्टिकुलरली 3 टाइप्स ऑफ बुक्स के बारे में पढ़ा। फिर सेकेंड पॉइंट हमने टॉपिक देखा, जिसमें हमने देखा कि साइंटिस्ट का और फिलोसोफर का वर्क बहुत ज्यादा स्प्रेड होने लगा था। ओके, कॉमन पीपल के लिए एक्सेसिबल होने लगा था। एंड थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हमने देखा कि प्रिंट कल्चर की वजह से, प्रिंट कल्चर एक बेस बन गया, एक बड़ा इनपुट बन गया, किसके लिए? फ्रेंच रिवॉल्यूशन के लिए। ये सब हुआ, सबको पता चला। अब रिवॉल्यूशन, लोगों को रिवॉल्यूशन होगा इसे कान में थोड़ी सबको बताने जाएंगे कि चलो चलो ये सब हो रहा है, ये सब हो रहा है। तो इतना ज्यादा हुआ इसीलिए ये जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत फास्टली स्प्रेड हो गई और फिर फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। नहीं नहीं नहीं, ऑटोमेटेड इतनी ज्यादा नहीं आई थी, कौन सी? वो तो आई गई थी ना, उससे भी आगे वाली आ गई थी। नहीं, उससे आगे वाली नहीं आई थी, लेकिन वो जो प्रेस थी उसने जो ढूंढी थी कि बहुत ज्यादा प्रिंट्स निकल रही है, वो तो आ गई थी। मतलब ऐसे बहुत पुरानी मेथड से, जैसे वो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग थी वो नहीं चल रहा था, अभी तो वो मेटल वाले मोल्ड्स एंड वो सब कुछ आ गया था। अंडरस्टूड? ओके, तो आज हम इतना रखते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो यहां तक एक पार्ट है, इफ यू ब्रेक द चैप्टर इनटू 2 पार्ट्स, यहां तक का पार्ट 1 है। ओके, अगर तुम चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड करो तो, और दूसरा, हाँ, और मतलब कंटेक्स्ट को मायने रख के बता रहा हूँ। इट्स नॉट कि भाई इसमें 20 टॉपिक है और इसमें 10 टॉपिक है, उसमें कम टॉपिक भी हो सकते हैं, वो कम ही है। ओके, लेकिन जो हम बोले कि क्या क्या चेंज हुआ, क्योंकि अब हम क्या देखने वाले हैं कि ये जो भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया है, ओके, प्रिंट कल्चर की वजह से। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ मतलब एक बड़ा चेंज है प्रिंट कल्चर। हमने क्या देखा? प्रिंट कल्चर इन द मॉडर्न वर्ल्ड। ओके,
तो मॉडर्न वर्ल्ड में मॉडर्न तो बना, कैसे बना मॉडर्न? साइंटिस्ट ने जो जो डिस्कवरी की वो सब स्प्रेड होने लगी एंड ऑल, क्यों? ड्यू टू प्रिंट कल्चर। तो अब यूरोप में क्या क्या हुआ वो हमें थोड़ा बहुत देखना है कि वुमन का क्या हुआ और साइंटिस्ट के पर्टिकुलर ग्रुप में क्या क्या चेंजेस आए, पीजेंट्स भी पढ़े लिखे हो गए, सब कुछ। और फिर इंडिया की बात करनी है कि इंडिया में प्रिंट कल्चर की वजह से कि लोगों पे क्या चेंज आया, किसने पहली ऑटोबायोग्राफी डाली, किसने तमिल, मतलब कौन आए और तमिल में खुद की नोट्स डाली, मलयालम में खुद के लिटरेचर निकाले, ओके, मतलब बाहर के लोग आए थे, जैसे पोर्टुगीज मिशनरीज आए थे, तो पोर्टुगीज मिशनरी आए थे कहां पर? पोर्टुगल से आए थे, कहां पर? गोवा में आए थे सबसे पहले, यस। तो वहां फिर उन्होंने स्टार्ट कर दिया क्या करना कि अपनी आइडियोलॉजी दूसरी लैंग्वेज में, मतलब यहाँ की लोकल लैंग्वेज में डालेंगे, ओके, तमिल में डालेंगे। वहां गए तो सपोज कोंकणी में डाला, तमिल में डाला, मलयालम, वैसे करके खुद लोकल लैंग्वेज में सब अपने लिटरेचर पब्लिश करने लगे, सो देट इंडिया में भी जो पहले से जो मैन्यूस्क्रिप्ट वाला काल था, टाइम पीरियड था काल, मतलब, तो वो उसमें भी चेंज आया। वो हमें अभी देखना है द रिमेनिंग पार्ट में, एंड इट विल बी नॉट डेट मच लेंथी कंपेयर टू दिस पार्ट वन।